देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर मोहन सरकार ने प्रदेश भर के 50,000 हितग्राहियों के सपनों को घर दे दिया है। सोचिए जरा, पूरे 50,000 लोगों को आज घर मिला है और इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कई घोषणाएं भी की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंगलवार को प्रदेश भर के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा मिला। ये तोहफा पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का रहा, जहां सरकार ने प्रदेश भर के 50,000 हितग्राहियों को उनके सपनों का घर दिया। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को गृह प्रवेश कराया। सरकार का ये बड़ा तोहफा रहा, जहां लोगों को रहने के लिए छत मिली और उनके सपनों का घर। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल से 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास के सांकेतिक रूप से गृह प्रवेश कराया। अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है मेरी अपनी ओर से। और ये भी बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे। सरकार के इस एक्शन से हितग्राहियों में अलग ही खुशी की लहर है। वे अपने सपनों के घर में प्रवेश करके बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये तोहफा पाकर हितग्राही सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ। हमें अपना सपनों का घर मिल गया। चाबी आज ही मिली आपको? हाँ। गृह प्रवेश की जी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सपना था कि मेरा खुद का घर हो, वो आज मेरा सपना पूरा हुआ। 2,00,000 रुपए में इस खुशी के कारण मेरे खुद के आंसू आने। समस्या तो बहुत आती, थोड़ी जगह आती भाई, मैं टीन डरी थी थोड़ी 10 फुट में, बस पूरा प्लाट खाली डरो तो। अब जब से ये मिल गए पैसा तो बन गया, तो अब आराम तो है, तो हम बहुत खुश हैं। जब आवास योजना जो चालू हुई जाकर सरकार ने इस अवसर पर 10 लाख और नए घर बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाए जाएंगे। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अपने घर का सपना सजोए गरीब परिवारों की उम्मीद पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना में 38,415 आवास निर्माण लक्ष्य मिला था। अब तक लगभग 37 लाख आवास बना लिए गए हैं। इसी तरह शहरों में भी बड़ी इमारतों में फ्लैट बनाकर योजना के तहत बेघरों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाएं समेत पक्के मकान की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।